हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो सबको हैप्पी होली। हम भी होली खेल कर आए हैं, कोई नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा बाद में फिर होली खेलना ही है। तो चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सब डिविजनल ऑफ जर्नल। ठीक है, आज का क्लास हम लोगों का होगा सब डिविजनल ऑफ जर्नल। ठीक है, क्या होगा? सब डिविजनल ऑफ जर्नल। अब जर्नल का जो हम लोग ने आज से आगे वीडियो में हमने जर्नल तो पढ़ा ही है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके सब डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो सब डिविजनल ऑफ जर्नल जो कि हम लोगों का अब आज का डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले, जर्नल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। जर्नल को कितना पार्ट में भाग किया गया है? 8 पार्ट्स। ठीक है, जर्नल को कितना भाग में डिवाइड किया गया है? 8 पार्ट्स। सबसे पहले वाला को हम लोग बोलते हैं परचेस डे बुक, परचेस जर्नल। ठीक है, परचेस जर्नल। ठीक है, सो दूसरा को हम लोग बोलते हैं सेल्स डे बुक, बस सेल्स जर्नल। ठीक है, तीसरा को हम लोग बोलते हैं परचेस रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न जर्नल। ठीक है, नंबर 4 सेल्स रिटर्न बुक बा सेल्स रिटर्न जर्नल। नंबर 5 में हम लोगों का आता है बिल्स रिसीवेबल बुक बा बिल्स रिसीवेबल जर्नल। नंबर 6 बिल्स पेबल बुक बा बिल्स पेबल जर्नल। 7 में हम लोगों का आ जाता है कैश बुक। ठीक है, सो कैश बुक का भी डिफरेंट पार्ट है यहाँ पे, सो जो कि हम लोग फर्दर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिंपल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, एनालिटिकल कैश बुक। ठीक है, वो सब आप लोगों का आ जाएगा। ये कैश बुक का फिर डिफरेंट टाइप्स है, इसका डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, सो नंबर 8 जर्नल प्रॉपर। सो ये है आप लोगों का 8 पार्ट्स ऑफ सब डिविजनल ऑफ जर्नल। जर्नल तो हमने आपको आगे वीडियो में हमने बताया है। ठीक है, सो फर्दर जर्नल हैज बीन सब डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। सो व्हाट आर दे? दे आर नंबर 1 परचेस डे बुक और परचेस जर्नल, सेल्स डे बुक और सेल्स जर्नल, परचेस रिटर्न बुक और परचेस रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न जर्नल, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, सो ये है आप लोगों का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जर्नल। तो मेनली फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे परचेस डे बुक। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे एक एक जाएंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का है नंबर 1, नंबर 2, परचेस डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और कैश बुक। ठीक है, फिलहाल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब, और इस बार एग्जाम में जो कि अभी हाल ही में चल रहा है 27 मार्च को है, वहां पे ये 2 में से क्वेश्चन 1 आ जाएगा, और ये 4 में से, चलो 2 में से नहीं बोल सकते, ये 4 में से 1 क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, और 1 क्वेश्चन आपका यहां से होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, सो ये सब डिविजनल ऑफ जर्नल से आप लोगों का 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का हो सकता है, या तो 5, और कैश बुक में 8 मार्क्स हो सकता है। ठीक है, तो परचेस डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और कैश बुक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं परचेस डे बुक। परचेस डे बुक, परचेस डे बुक है क्या? सो परचेस डे बुक मतलब ये ऐसे टाइप का जर्नल का बुक है जहां पर कि हम लोग ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही परचेस करने का, हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही लिखते हैं। ठीक है, एक बिजनेस में, लेकिन ध्यान में आप लोग ये रखना कि जो सामान हम लोग खरीदते हैं ना, वो रीसेल के लिए होना जरूरी होता है। ठीक है, अपने लिए, प्रोसेशन के लिए नहीं हो सकता है, वो रीसेल होना जरूरी है। जैसे कि अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं घर के लिए, वो तो हम रीसेल नहीं करेंगे, तो वो परचेस डे बुक में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा चीज, अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं उसको रीसेल करने के लिए, वो लेकिन हम लोगों का क्या होगा, परचेस डे बुक में आएगा। तो ध्यान आप लोगों को क्या रखना है, सबसे पहले तो नंबर 1 क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, कोई भी डे बुक जो कि 8 टाइप्स ऑफ डे बुक हमने बोला है कैश बुक को छोड़ के। ठीक है, तो मेनली चलो छोड़ दो, वो परचेस डे बुक में कंसेंट्रेट कर लो। सो परचेस डे बुक में क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग का आएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन।
ठीक है, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए। नंबर टू पॉइंट, नंबर टू, ये दो पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखना। दूसरा चीज, हम लोग का रीसेल होना जरूरी है, ठीक है। जो कुछ भी सामान अगर हम लोग रीसेल के लिए लाते हैं वो ही हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा, दैट इज परचेस डे बुक में आएगा। समझ में आया? सो रीसेल होना जरूरी है, अपना खुद का घर के लिए हो या जिस सामान को हम लोग रीसेल नहीं करते हैं, तो वो सब सामान जो है ना वो हम लोग का परचेस डे बुक में नहीं आएगा। जैसे कि पानी, हम लोग देख लो, पानी देख लो, पीने के लिए अगर हम लोग लेकर आते हैं तो वो परचेस डे बुक में नहीं होगा, लेकिन ग्रोसरी शॉप है पानी रीसेल के लिए लेकर आता है तो वो परचेस डे बुक में हम लोग का आएगा। क्लियर? तो ये दो चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। नंबर वन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना जरूरी है, दूसरा चीज क्या होना जरूरी है, रीसेल होना जरूरी है। ओके, साथ ही में और एक चीज जान लो, परचेस डे बुक का नाम बहुत है, ठीक है। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेस डे बुक हो गया, परचेस बुक हो गया, बोर्ड बुक हो गया, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रख लो, कुछ भी आप लोगों का नाम हो सकता है, बोर्ड जर्नल हो गया, ठीक है, परचेस बोर्ड डे बुक भी हो सकता है। यहाँ पर बोर्ड बुक सिर्फ लिखा है हमने ना, बोर्ड डे बुक भी हो सकता है, ये अलग है, बोर्ड बुक भी हो सकता है, बोर्ड डे बुक भी हो सकता है, परचेस बुक भी हो सकता है, परचेस डे बुक भी हो सकता है, ठीक है। सो इनवर्ट इनवॉइस बुक, इनवर्ट इनवॉइस बुक, इनवॉइस बुक भी हो सकता है, सिर्फ इनवॉइस बुक भी हो सकता है। सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, नाम भी आप लोगों को याद रखना है कि एग्जाम में कौन सा बोलेगा। हम तो यहाँ पर बोल रहे हैं परचेस डे बुक हम लोग बना रहे हैं, तो परचेस डे बुक एग्जाम में नहीं भी हो सकता है, बोर्ड बुक भी हो सकता है, तो बोर्ड बुक होने से तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है कि नहीं। ठीक, करने के लिए किया दिया, लेकिन ये सिंपल है, ठीक है। फिर बोर्ड जर्नल भी हो सकता है, इनवर्ट इनवॉइस बुक भी हो सकता है, इनवर्ट बुक भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। सो नाम ध्यान में आप लोगों को रखना है ये चैप्टर करने से आगे या चैप्टर करने के लिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में चलते हैं परचेस डे बुक का। चलिए, थोड़ा छोटा हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो। चलिए तो फिर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन में होगा, देख लीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम भी लगता है उसमें और जगह भी नहीं है मेरे पास में, ठीक है। चलो, सो अब क्वेश्चन से आगे चलिए, परचेस डे बुक का फॉर्मेट कैसा होता है उसको थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर तो हमने आगे ही बता दिया है आप लोगों को। चलिए तो परचेस डे बुक का फॉर्मेट ये है, तो सबसे पहले हम लोग का आएगा डेट, इनवर्ट इनवॉइस नंबर, ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पर क्या आएगा, इनवर्ट इनवॉइस नंबर, इनवर्ट इनवॉइस नंबर मतलब जब हम लोग खरीदते हैं ना, वो लोग क्या करते हो, एक वो रिसीप्ट देता है, सो उस रिसीप्ट को बोलते हैं इनवर्ट इनवॉइस, और वहां पे कुछ नंबर होता है, तो वो नंबर अगर क्वेश्चन में दिया गया है, एज पर क्वेश्चन अगर दिया गया है तो हम लोग वहां पर लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए। सो ध्यान में रखना, ठीक है। परचेस डे बुक में हमने क्या बोला, इनवर्ट इनवॉइस नंबर आएगा, सेल्स डे बुक में इसका उल्टा होगा, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, इनवर्ट इनवॉइस का मतलब क्या है, जब हम लोग क्रेडिट परचेस करते हैं, ठीक है, सो जो हम लोगों को सामान बिक्री कर रहा है बाकी में, है कि नहीं, तो वो आदमी क्या करता है, रिसीप्ट देता है डिस्क्रिप्शन के साथ में, जैसे कि कैश मेमो होता है ना, जैसे कि कैश में अगर किया तो हम लोगों को कैश मेमो मिलेगा, लेकिन अगर क्रेडिट में अगर हम करते हैं तो फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, वहां से एक रिसिप्ट मिलेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्ट इनवॉइस, ठीक है। और वहां पर नंबर होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्ट इनवॉइस नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर्स एलएफ, ओके, ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, ठीक है, ये डिटेल्स है और ये रुपीस है, डिटेल्स में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। चलिए तो फिर क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, देख लो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ परचेस जर्नल ऑफ एमएस बरुआ ब्रदर्स। चलो, नाम दिया गया ना, तो इन द बुक्स ऑफ, हेडिंग कैसे लिखे होंगे, इन द बुक्स ऑफ एमएस बरुआ, क्या बना रहे हम लोग, परचेस डे बुक, बरुआ ब्रदर्स, ब्रदर्स भी है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ एमएस बरुआ ब्रदर्स हम लोग क्या बना रहे हैं, परचेस डे बुक, इसका मतलब हम लोग एमएस बरुआ का बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लो, जनवरी 8 परचेस फ्रॉम दास एंड कंपनी ऑन अकाउंट 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 200 ईच, ठीक है। सो क्या बोला गया है, परचेस फ्रॉम दास एंड कंपनी ऑन अकाउंट, मतलब ये बाकी है, तो क्या खरीदा है हमने, 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, इसका मतलब हम लोगों का कपड़ा का बिजनेस है, कपड़ा का दुकान हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमने बोला आप लोगों को परचेस डे बुक में क्या होना चाहिए, नंबर वन इज क्रेडिट परचेस, नंबर टू रिसेल के लिए होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को, परचेस फ्रॉम दास एंड दास ऑन अकाउंट, चलिए कैसे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले तो डेट जनवरी 8 1
सपोज सोचो डेट तो ईयर तो नहीं दिया गया है, 20 हम लिख रहे हैं, तो इनवॉइस नंबर हम लोगों के पास में नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों को कैसे लिखना है, सबसे पहले किससे खरीदा है उसका नाम लिखना है, दास एंड दास, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, हो गया। अब डिस्क्रिप्शन हम लोग देंगे क्या खरीदा है, यहां पर कोई डेबिट क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या खरीद रहे हैं हम लोग, 30 शर्ट्स, 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 100 × 30, 3000 डिस्क्रिप्शन में हमने लगा दिया। और एक खरीदा है 20 ट्राउजर्स, 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 200 ईच, ठीक है। सो कितना हो गया, 4000 हो गया, ओके। साथ ही में यहां पर दिया गया है ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, चलो इसको हम लोग करते हैं, 7000 हो गया ये टोटल, इसीलिए डिटेल्स कॉलम हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो डिस्काउंट अगर है तो फिर हम लोगों को डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट जब भी लेस होगा क्वेश्चन में रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, मतलब ये 7000 का, 7000 × 10/100, सो 700 हो गया। सो माइनस कर लो, और उसका बाद में कोई कुछ भी नहीं है, देख लो क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली अभी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 6300, ये है टोटल अमाउंट, ठीक है ना। इस तरह आप लोगों को करना है, इसका मतलब है पहला फर्स्ट हम लोग का ट्रांजेक्शन खत्म, समझ में आया ना, सिंपल है। सेल्स का भी सेम ही है, अगर आप लोगों को सेल्स का आ रहा है, अगर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे ना नेक्स्ट वीडियो सेल्स का, तो क्योंकि नेटवर्क का बहुत इश्यू चल रहा है यहाँ पर, हम अपलोड ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सेल्स का बोलेंगे तो सेल्स का भी सेम चीज है, सेम है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, हेडिंग चेंज करना है, इनवर्ड का जगह में आउटवर्ड लगाना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज परचेस फ्रॉम किदवाल ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, ये भी क्रेडिट में है, वन टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज फॉर ₹3000, देख लो हम लोग थोड़ा सा आगे ही हमने बोला, नंबर वन देयर शुड बी ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नंबर टू फॉर रीसेल, रीसेल होना जरूरी है, हमने बोला था आगे आप लोगों को। सो देख लो ये क्वेश्चन क्या है, परचेस फ्रॉम कदवाय ब्रदर्स ऑन क्रेडिट वन टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हम लोग ने खरीदा है, इसका मतलब ये रीसेल नहीं होगा, है तो क्रेडिट में है, ये पहला फर्स्ट पॉइंट तो हम लोगों का क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट तो है क्रेडिट है वो ट्रांजेक्शन, लेकिन ये रीसेल के लिए है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा, छोड़ दो, लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जनवरी 10 खत्म, नंबर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 15 परचेस 50 शर्ट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम पॉल एंड कंपनी एट ₹80 ईच, चलो ये तो आएगा क्योंकि ये रीसेल के लिए है, ठीक है। चलो जनवरी 15 1 20 किससे खरीदा है हम लोग ने, पॉल एंड कंपनी, ठीक है। क्या खरीदा है हम लोग ने, डिस्क्रिप्शन में दे दो आप लोग, 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 80 ईच, इतने ही है ना, 8 × 5 = 40, ये तो एक ही है ना, डिस्क्रिप्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो 4000, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है, दो क्वेश्चन नहीं है इसका तरह, ठीक है, नहीं है तो डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, purchase for cash from Swargi stores 10 shirts at the rate of 75 each, चलो ठीक है। पहला चीज हमने क्या बोला है, क्रेडिट होना जरूरी है, दूसरा चीज रीसेल के लिए होना जरूरी है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेस फॉर कैश फ्रॉम सिग्वी स्टोर्स 10 shirts, 10 shirts खरीदा है, रीसेल के लिए तो है ये, ठीक है, रीसेल के लिए होगा वो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, परचेस फॉर कैश, क्या में खरीदा है हम लोग ने, कैश में, क्या क्रेडिट, ओके हमने क्या बोला परचेस रिपोर्ट में कौन सा आएगा, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये कैश है तो फिर ये भी ओके, ये कैश फुलफिल नहीं हुआ है कि ना, कैश होने की वजह से क्रेडिट, हम लोग का क्रेडिट होना चाहिए तो कैश ट्रांजेक्शन तो आएगा नहीं, समझ में आया, कैश ट्रांजेक्शन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उससे कैश बुक बनेगा, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन भी हम लोगों को नहीं चाहिए। नेक्स्ट जनवरी 27 परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम महावीर प्रसाद, चलो महावीर प्रसाद 100 shirts एट द रेट ऑफ 75 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, चलो ये तो क्रेडिट में ही है, क्रेडिट भी है रिसेल भी है, चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो कितना है डेट, 27 1 20 महावीर प्रसाद, ठीक है, महावीर प्रसाद क्या खरीदा है हम लोग ने, 100 shirts, 100 shirts एट द रेट ऑफ ₹75 ईच, ठीक है। सो 100 × 75 = 7500 हो गया। सो लेस, और एक चीज दिया गया है ट्रेड डिस्काउंट, सो ट्रेड डिस्काउंट
at the rate of 10%, 7500 into 10 by 100, ठीक है, 0000750, ठीक है, सो माइनस कर दो तो फिर डाल दो 6750, हो गया, समझ में आया। तो फिर जनवरी 27 हम लोग का खत्म हो गया, तो उसका बाद में तो हम लोग का क्वेश्चन नहीं है। सो अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब बैलेंसिंग कर देंगे, ठीक है, सो इसको प्लस करके हम लोग क्या करेंगे, ये डिटेल्स वाला नहीं चाहिए, ओनली अमाउंट कॉलम को आप लोग प्लस करो और डाल दो 17050, देख लो हम लोग का हो गया ये टोटल। और अब हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओके थोड़ा लंबा हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आंसर को, इस आंसर को हम लोग बोलते हैं परचेस अकाउंट, यहां पर लिखना है डेबिट, क्योंकि परचेस जब भी डेबिट होता है ध्यान में रखना परचेस, क्योंकि एज पर परचेस क्या कर रहे हैं, समान कर रहे हैं ना, तो समान एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो परचेस क्या होगा, जब भी डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा, ध्यान में रखना है ये चीज आप लोगों को लगाना है। और साथ ही साथ में आप लोगों को डेट लास्ट लगाना है, ठीक है, लास्ट डेट 31/20/31 भी आप लोग लगा सकते हो। सो फाइनली वी कम टू एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, देख लो सिंपल है, जस्ट जानना जरूरी है, अगर नहीं जानते हो तो फिर प्रॉब्लम रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे, अगर सिंपली अगर आप लोग जानते हो तो हर एक चीज इजीली आप लोग कर सकते हो, है कि नहीं। सो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, विविधाम का टेक्स्ट बुक से हम कर रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक का नाम है विविधाम का टेक्स्ट बुक है, कोई नहीं, पहले हम कर रहे थे कि यार दास का टेक्स्ट बुक से, अभी हम कर रहे हैं विविधाम का टेक्स्ट बुक से, ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, क्लियरली आप लोगों को समझ में आया होगा, है कि नहीं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, आराम से आप लोग यहाँ पे 5 मार्क ले आ सकते हो, तो इसका टोटल मार्क्स होगा 5 मार्क्स, और इस एग्जाम में देखना ये क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, सो इसीलिए लेजर इतना आता नहीं है ना, तो इसीलिए हमने लेजर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए किए हैं, ठीक है, तो जल्दी आप लोग सीख पाओ एग्जाम के लिए जो कि अभी आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमने जल्दी जल्दी परचेस डेबुक में जाके ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सेल्स डेबुक भी सेम है, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी है कि नहीं। सो कीप लर्निंग विद लेट्स लर्न कॉमर्स, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।